एक बार गोपियों ने पकड़ने के लिए इंतजाम किया, पूरे घर में उन्होंने घंटी लगा दी। कोई भी आएगा, रात में आए दिन में आए, कुछ भी हिलेगा तो घंटी टन 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 बजेंगी, हमें पता चल जाएगा, हम पकड़ लेंगे। सब ग्वाल वाल इकट्ठे हुए, देखे तो पता चला या तो घंटी लग रही है। श्याम सुंदर बोले, कोई बात नहीं, ये हमको जानती है क्या? ए घंटियों, बजना नहीं। अब साक्षात ब्रह्म की आज्ञा है तो घंटी की क्या औकात है, बज जाए। धड़ल्ले से ने खिड़की का दरवाजा खोला, सबरी घंटी हिली, बजी नहीं। कई ग्वाल वालों ने तो चढ़ के घंटी का मूड़ पकड़ के ला दे, बज के देखो तू, ज्यादा हमको बताएगी। दो चार ने तो घंटी तोड़ और ली कि इसी में माखन भर के ले जाऊंगा। सबसे नीचे मधुमंगल, फिर स्तोक, फिर बरूतक, फिर सिवल, फिर मनसुका, फिर श्रीदामा और फिर श्याम सुंदर एक दूसरे के ऊपर चढ़े। नीचे भी घंटियां पड़ी थी, एक नहीं बजी। माखन की मटकी के अंदर हाथ डाला, एक घंटी नहीं बजी। माखन निकाला, एक घंटी नहीं बजी। पर जैसे ही ठाकुर जी ने माखन खाया, सबरी घंटी एक साथ बज गई महाराज। सब गोपियां निकल आई, ठाकुर जी घबराए, सब घबरा गए। ए घंटियों, मैंने तुमको आज्ञा दी थी तुम बजना नहीं, बज कैसे गई? सब घंटी हाथ जोड़ कर बैठी, भगवान देखो ऐसा अन्याय मत कर, आप सब अंदर आए, हम बजी नहीं। इन ग्वालन ने हमारा मूड तोड़ दिया, हम बजी नहीं। अब आप माखन खा रहे हैं तो आपने ही तो शास्त्रों में कहा भोग लगे तो घंटी बजनी चाहिए।